सो टुडे हिंदी हिंदी में बोला उन्होंने, प्रभु जी हिंदी में तो गुजराती में यू विल नॉट अंडरस्टैंड गुजराती। ओह थैंक यू प्रभु। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हम आए हैं उनका हाउस नया घर बनाए, दैट इज द रीजन, करेक्ट प्रभु? हाउस वार्मिंग, सो आई शुड स्पीक ऑन हाउस वार्मिंग, करेक्ट? ठीक है। थोड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो ना, हार्ट टू हार्ट बोली ना खुना। एक बार राधानाथ महाराज मेरे घर पे आए थे और समाव न्यू घर, नया घर आया में हम लोग रहने गए, तो महाराज घर पे आए थे। बड़ा घर हमने लिया था और घर सब डेकोरेशन ये वो जो भी इंटीरियर करना जिस तरह से ये चल रहा है इस तरह से वहाँ पे किया था। फिर वो देखने के बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मुझे, वेरी हैवी स्टेटमेंट, वेरी सीरियस स्टेटमेंट, विच आई प्रे दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, सबके लिए लागू पड़ता है। उन्होंने बोला कि हमेशा याद रखना, ये जो तुम्हारा घर है वो तुम्हारा हकीकत में ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर बहुत दूसरी जगह पे है और वो घर जो है तुमको वो घर पे जाना है, तुमको वो घर पे पहुंचना है और अगर ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो घर है वो घर जो है तुमको वो घर तक लेके ना जावे तो याद रखेगा कि ये घर ही तुम्हारा बंधन का एक बड़ा रूप हो जाएगा। दिस हाउस शुड बी इन सच ए वे दैट इट शुड हेल्प यू टू गो टू योर ओरिजिनल एंड अ जेन्युइन हाउस वेर यू हैव टू हैव ए इटर्नल लाइफ। आपको वो घर पे जाना है और अगर वो घर तक नहीं जा पाए तो ये घर एक माया के रूप में है। हमेशा याद रखते रहना कि घर के अंदर ऐसी कोई भी आसक्ति न हो जावे कि उसकी वजह से हमारा जो जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य कोई भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो गए। ठीक है, सब सेटल्ड हो गया। कोई भी घर अगर हम जो है अगर उसमें आसक्त हो गए, खास करके माताजी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि माताजी लोग जो है ना, इवन प्रभु जी ऑल्सो नथिंग रॉन्ग, आज के दिन क्या है कि मैं देख रहा हूँ प्रभु कि व्यक्ति जो है एक बार घर लेता है तो घर लेने के बाद में मैक्सिमम बॉम्बे में एनालिसिस आया है कि जितने लोग घर लेते हैं 90% घर जो लेते हैं वो लोन से लेते हैं, 90% ये स्टैटिस्टिक्स आया हुआ है। अगर 90% अगर भक्त लोग जो है, भक्त नहीं सब लोग जो लोन से लेते हैं और वो 20 साल तक वो EMI भरता रहता है तो क्वाइट नेचुरल है बरा उसके घर के अंदर, उसको उसके लाइफ के अंदर खाली वो घर ही दिखता है क्योंकि उसको हर पहली 10 तारीख के दिन जो है EMI जाता है और उसके वजह से जो है उसका अटैचमेंट घर के साथ में बढ़ता ही जाता है क्योंकि उसने पूरा लाइफ दिया है उधर। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, ये फिगर्स आता है और मैंने बहुत लोगों को काउंसलिंग किया है फाइनेंस के बारे में और ये मेजॉरिटी केस ऐसा होता है, 25-27 साल में व्यक्ति शादी करता है, 2-3 साल फाइट मारता है, 30 साल के आसपास लोन लेता है, घर लेता है, घर लेने के बाद में जो है अगर उसकी तनख्वाह देखो अगर 1,00,000 रुपया या 1,25,00,000 रुपया जितना होती है तो वो जो है लोन जो है 50-60 लाख रुपए तक का लोन लेता है और 50-60 लाख रुपए की लोन लेने के बाद में
उसका हर महीने का EMI 50 से 60 हज़ार रुपया होता है, बाकी के उसमें उसका घर का खर्चा चलता है, और इस तरह से जो है वो 20 साल तक जाता है। अभी 20 साल तक जाने के बाद में उसके पास थोड़ा भी सेविंग बढ़ता है तो उसमें उसका घर का खर्चा, बच्चे का डिमांड, वो सब चालू हो जाता है, तो उसके पास 50 साल तक हार्डली कोई सेविंग होता है। 50 साल के बाद में उसकी जो ज़िंदगी के मेन टाइम का जो अर्निंग है वो पूरा अर्निंग उसने EMI में गया होता है। 50 साल के बाद में उसकी हकीकत में सेविंग होती है, और वो जो सेविंग 50 से 60 साल में जो होती है वो पैसा जो है वो लड़का होगा तो वो उसका कैरियर के लिए है और उसका बिजनेस या जॉब के लिए जाता है, और लड़की होगी तो उसकी शादी के लिए पैसा जाता है। 60 साल की उम्र में जो है वो व्यक्ति जब बाहर निकलता है काम करके, अच्छी तरह से मेहनत किया है, अच्छा सिंसरिटी बताया है, उसका जॉब का भी सिक्योरिटी, जॉब में भी प्रमोशन, वो सब चीज़ मिलता रहता है, फिर भी प्रभु 60 साल के बाद में जो भी वो 10 साल में कमाया वो लड़का और लड़की लेके जाता है, 60 साल में जब वो रिटायर होता है तभी वो व्यक्ति हमेशा ठन ठन गोपाली होता है। ये मेजॉरिटी केस देखा है मैंने। और फिर वो जो है अपने लड़का उसको ऐसा हमेशा वो 30 साल जो उसका गया ना, 30 से 60 साल में उसको हमेशा यही भ्रम रहता है कि क्या होगा अगर मैं रिटायर हो जाऊँगा तो ये घर बेच दूँ, घर चला जाऊँगा गाँव में। लेकिन उस समय क्या होता है उसके लाइफ के अंदर कि वो लड़का उसको बोलता है कि पिताजी तुमने तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी निकाल दिया इस तरह से, आप मेरी भी ज़िंदगी इस तरह से निकालोगे क्या? तो इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इमोशनली इज बीन ब्लैकमेल्ड कि भाई तुम ऐसा कैसा कर सकोगे, मैं तो मेरी भी हालत आपके जैसे ही होगी, मैं भी इसी तरह से जो है पूरी ज़िंदगी देऊँगा। तो वो बोलेगा नहीं, कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, उसको वो घर नहीं बेच सकता है वो। तभी बस उसके पास तो कुछ है नहीं, अभी उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद में प्रभु उसके जो पुत्रवधु आएगी, उसका जो डॉटर इन लॉ आएगी, वो तो नया घर की आई है ना, नई अलग लहू की बहू की आई, मीन्स अलग लोही की है, तो उसको मालूम है कि ससुर जी तो जो है ठन ठन गोपाल है, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो उसके साथ में उसका डीलिंग इसी हिसाब से होता है, उसी हिसाब से डीलिंग होता है, क्योंकि मालूम है अभी कुछ दे के तो जाने वाला नहीं, फ्लैट तो दिया है, वो फ्लैट में तो हम अभी रह ही रहे हैं, उसमें क्या हमको मिला है। और अगर नसीब खराब है और वो प्रभु जी और माता जी में, प्रभु जी पहले चले गए और उसकी वाइफ घर पे रह गई, तो सास के पास तो कुछ आने ही वाला नहीं है, तो एक रिजेक्टेड अच्छी तरह से उसको रिजेक्टेड कर की तरह उसको रखा जाता है, कुछ मिलने वाला नहीं है, वो मरेगी तो क्या होने वाला, कुछ मिलने थोड़ी वाला है। और ये सब चीज़ हुआ है खाली सिर्फ एक ही वजह से, उसने वो लोन लिया, EMI भरा, फ्लैट लिया, फंस गया। मैं हमेशा विचार करता हूँ प्रभु, जब व्यक्ति का इतनी एनर्जी, इतने कमिटमेंट, इतना माइंड के अंदर इतना थॉट्स और वो सब डाला है उसने वो घर के लिए, कैसे वो घर भूल सकता है, कैसे वो घर भूल सकता है? अरे प्रभु, उसको एक 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 इंच जो होता है ना वो भी उसके माइंड के अंदर फिक्स हो जाती है भाई। ये सब इंटीरियर किया ना, एक एक इसमें इंटीरियर का मतलब एक 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 इंच का भी उसका फायदा लेना है, करेक्ट? उसी हिसाब से प्रभु उसको सब चीज़ इतना फोकस और फिक्स्ड अप होता है, उसको घर का एक एक कोना भी पता होता है, क्योंकि उसने पूरा जीवन दिया है। और उसमें आपको बोला जावे कि अगर ये घर से तुमको वो घर का विचार करना है, उसके माइंड में कुछ दुष्टता दिखता ही नहीं है प्रभु जी, कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। और कृष्णा ने क्या बनाया ये दुनिया यार, तुमको अच्छा लगे या ना लगे, आई रिमेम्बर मेरे पिताजी, वी हैड ए बिग हाउस इन पार्ला जू, 1800 स्क्वायर फीट कारपेट फ्लैट, ह्यूज फ्लैट इन जू, इट्स अ बिग फ्लैट, 5 बेडरूम का फ्लैट था, 4 या 5 बेडरूम। तो अभी जो है पिताजी वॉज, माई फादर वॉज वेरी परसिस्टेंट कि ये फ्लैट तो मैं बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो है ना प्रभु एक अटैचमेंट आ जाता है वो घर से, वो कोई भी हालत में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि उसको उसका उसका स्टेटस ही वो फ्लैट है। प्रभु मैंने अभी तक, आई कैन टेल यू प्रभु, अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं देखा है मैंने, एक भी केस कि उसकी अर्निंग कम हो गई है, कमाई कम हो गई है, और सॉल्यूशन एक ही है, वो ओरिजिनल फ्लैट बेच डालो, लोन खत्म कर दो,
और बाकी का जो पैसा बचता है उसमें से छोटा सा फ्लैट ले लो और बाकी का पैसा बचेगा उसमें से शांति से जीवन जियो। सिंपल कैलकुलेशन है, एकदम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। किसी का भाईदारी या किसी का ऑब्लिगेशन लेने की गरज नहीं है। लेकिन प्रभु अभी तक सॉल्यूशन बताऊंगा, सॉल्यूशन समझेगा भी, लेकिन प्रभु टेक माय वर्ड्स, अभी तक एक भी केस ऐसा मैंने देखा नहीं है कि वो ये स्टेप लेते हैं। कैसे भी करके एडजस्ट करेंगे लेकिन वहां से निकलेंगे नहीं। अरे लड़के की शादी है ना, लड़की की शादी है ना, कौन हमारा घर ऐसा देखेगा, ढीला हो गया तो क्या होगा, नहीं है ना चीज। बेसिकली क्या है, तुम्हारा अटैचमेंट है प्रभु। इट इज योर अटैचमेंट दैट इज मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल। अभी का एक केस आया था, माता जी प्रभु जी दोनों आए मेरे पास मिलने आए, फ्लैट में बहुत फंस गए हैं, 60,000 रुपया हर महीने EMI जा रहा है। तो उनका जॉब में इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो मैंने बोला बेच डालो ना फ्लैट, बेच डालो, छोटा सा भाड़े पे फ्लैट ले लो। भाड़ा फ्लैट जो है वैल्यू बढ़ी नहीं है पिछले 5 साल से प्रभु जी। उनको प्रैक्टिकल भी लगा, गए घर पे और फिर 15 दिन के बाद में टेलीफोन आया, गया प्रभु फ्लैट बेचा नहीं। मैंने क्यों, क्या नहीं किया? तो क्या मेरे पिताजी जो है, यानी लड़की का पिताजी, यानी ये जो उसका हस्बैंड है उसका फादर इन लॉ, वो बोले कि नहीं नहीं फ्लैट तो बेच ही नहीं सकता है, कैसा होगा, मैं तुमको पैसा देता हूँ, तुम पहला लोन ख़त्म करो, तुमको लोन का ही प्रॉब्लम है ना, तुम लोन ख़त्म कर डालो। तो हमने प्रभु उसके पास से पैसा ले लिया और लोन ख़त्म कर लिया, तो बहुत अच्छा हो गया, तो अभी तो ख़त्म हो गया ना। तो नहीं प्रभु, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो पैसा हमको वापस चाहिए देने का है। वो पैसा देने का है। वो तो क्या पाया तुमने, तो फिर तुम्हारा तो वही वो हुआ ना, लटक तलवार ही रह गई ना। तो कि नहीं प्रभु, खाली लोन का ही प्रॉब्लम हुआ ना, खाली लोन खत्म, यानी इंटरेस्ट का जो हमको हर महीने 60,000 रुपये जाता था वही। मैं कहता हूँ वो तुमको इनडायरेक्टली, तुम्हारे फादर इन लॉ तुमको ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकमेल किस तरह से करेंगे मालूम है, ये मैंने देखा है। अगर लड़की के पिताजी ने कुछ भी ऑब्लिगेशन लड़की के पिताजी ने अपने जवाई को दिया है, डायरेक्टली उसको नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल होता है। किस तरह से ब्लैकमेल होता है पता है? सॉरी प्रभु बोलूँ ना क्या, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? किस तरह से ब्लैकमेल होता है पता है प्रभु? घर में मदर बीमार है, जरा इसको बोल देना घर पे भेज आ जाना रहने के लिए, थोड़े दिन घर पे रह के जाओ। अरे भाई मेरा घर का, लेकिन पैसा लिया रहता है ना, ऑब्लिगेशन लिया रहता है, आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमारे ये फेस्टिवल है, ये है वो है, तुम आ जाओ ना, ऐसा तो नहीं बोलेगे ना कि ये ऐसा नहीं हो, ये आ जाओ। तुम ना भी नहीं बोल सकते हो क्योंकि तुमने ऑब्लिगेशन लिया है, और अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। कुछ लिया ही नहीं था, नहीं आएगा, नहीं आएगा, जो करना है करो, क्या दैट यू कुड नॉट स्पीक। और मैंने बोला ये तुम्हारा जो है ना पूरी जिंदगी जाएगा जब तक पैसा नहीं दोगे, और पैसा देने के बाद में भी इनडायरेक्टली बोलता रहेगा ये घर मिल गया ना, हमारे वजह से मिला है। इन शॉर्ट व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग इज जस्ट टू मेक यू अवेयर, जो महाराज बता रहे थे कि ये घर से तुम्हारा वो घर, अरे कैसे याद आएगा यार, कैसे तुम्हारा वो फोकस हो जाएगा, कैसे यू कैन कम टू दैट लेवल। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, टेक माई वर्ड्स, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। डे बाई डे इट इज बिकमिंग सो मच प्रभु, कि आपकी सब चीज भूल सकते हो लेकिन आपका घर नहीं भूल सकते हो। और वही चीज होती है प्रभु, कि जैसा जैसा आपके स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, तुमको ये घर से तुम्हारा वो घर पे जाना है। अगर वो चीज नहीं आई तो यही घर तुम्हारा माया के रूप है प्रभु। यू कैन नॉट बी एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और लाइफ स्टाइल वो घर के अंदर इसी तरह से होना चाहिए कि मैक्सिमम कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैक्सिमम। उसके लिए बड़ा घर की कोई गरज नहीं है। कोलवेच श्रीधर, ये द फैच हार्ट फॉर करेक्ट, उसका तो घर, आप अगर मायापुर में गए थे, क्या उसका घर ही क्या था, इट वॉज नॉट ए घर बेसिकली। लेकिन महाप्रभु उनके घर पे आए हैं, करेक्ट, क्या उनकी लाइफ थी, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड दैट वे। हाँ नो डाउट, प्रताप रुद्र महाराज भी जो है वो राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद में भी उन्होंने और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोलवेच श्रीधर एंड महाप्रभुज हाउस, इन विच वे बोथ ऑफ देम वर एब्सोल्युटली डिटैच्ड। दोनों ने कृष्णा के लिए ही घर दिया था,
एब्सोल्युटली डिटैच्ड, ये बहुत जरूरी है प्रभु। ऐसा ना हो जावे कि वो घर की वजह से हम यहाँ पे लटक जावे, तो ये माया हो जाएगी भाई। दिस इज माया स्टप। और टेक माई वर्ड, मैजॉरिटी प्रभु जी, मैजॉरिटी इसी में हम फंस जाते हैं। लाइफ ही ऐसा बनते जाना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर कि जैसा जैसा हमारी उम्र बढ़ती जावे, घर का अटैचमेंट कम होते जाना चाहिए, कृष्णा का अटैचमेंट बढ़ते जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो खाली हम बातें करने वाले डिवोटीज है, वी हैव नॉट अंडरस्टूड कृष्णा कॉन्शियसनेस। खाली बातें किया है हम लोग ने, सब छोड़ करके जाना ही है भाई। और अगर आपने अटैचमेंट है आपका और आप जो है प्रभु आपने आपका दे छोड़ा, डेफिनेटली वो कैलाश के जैसा ही होने वाला है। कैलाश का एग्जाम्पल पता है ना सबको, क्या हुआ वहीं पे, वो है कुत्ता बनाने, सांप बनाने, सब चीज हुआ खाली एक ही वजह से, अटैचमेंट। बहुत जरूरी है प्रभु जी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा बताया गया हमारे शास्त्र में कि जैसा जैसा आपकी उम्र बढ़ती है आपको घर से बाहर निकल जाने चाहिए। घर से बाहर निकलते जाओ। मैंने एक बार हमारे जयदत्त महाराज जी मेरे वेरी क्लोज विथ हिम, तो मेरे घर पे आए, मैंने बोला देखो अभी तुम्हारा घर पे सब बराबर ठीक ठाक हो रहा है, तुम निकलो इधर घर से। बोलो महाराज इतना प्रीचिंग, इतना प्रोग्राम्स हो रहा है तो ये सब होता रहेगा, तुम घर से बाहर निकलो। बोलो क्यों महाराज? ठीक है, वैसे फरजियात रीत से घर से बाहर निकलना पड़ेगा तभी बहुत भारी गिरेगा अभी से, नहीं तो अगर अभी से आदत नहीं लगाई तो तुमको ये घर से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ होगी। और यही अटैचमेंट तुमको यही घर के अंदर, या तो तुम कॉकरोच बनोगे, या तो एक लिजर्ड बनोगे, या तो एक चींटी बनोगे, और यही घर के अंदर घूमते रहोगे। ऐसे ही बोलते जाओ ना, क्या पाया तुमने? दिस हाउस इटसेल्फ हैज बिकम ए प्रिजन हाउस फॉर यू। आई रिमेंबर प्रभु माई फादर लेफ्ट हिज बॉडी, और रात को वो गुजर गए, तो मैं आया फिर रात को, फिर अभी उनका फ्यूनरल और वो सब दूसरे दिन सुबह में करना पड़ा, क्योंकि वो रात को 9 बजे गुजर गए थे। तो फिर मैं पूरी रात उनके बॉडी के नीचे बैठ करके मैं माला कर रहा था, तब मैं कैलकुलेशन कर रहा था, यही मेरे पिताजी जो है इतने अटैच थे ये घर से, कोई भी हालत में उन्होंने घर नहीं बेचा, ही हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, लेकिन मैंने उनको पक्का सोल्यूशन बताया, ये उड़ा दो, प्लानिंग कर दो, मैं एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ जियो। लेकिन वो घर की वजह से जो है वो उन्होंने बेचा नहीं, और वो स्ट्रेस में मरे, पूरा स्ट्रेस में मरे प्रभु। तभी मैं देख रहा था कि ये अभी पिताजी क्या कर सकते, कितनी बार मैंने उनको बोला कि घर बेच डालो, लेकिन उन्होंने वो घर नहीं बेचा। अभी कल सुबह में उनको अच्छा नहीं लगने वाला है तो भी मैं उनको उसकी बॉडी उठा करके मैं घर से बाहर लेके जाने वाला हूं, और वो कुछ नहीं कर सकेंगे। प्रभु हमारी भी यही स्थिति होने वाली है, सॉरी टू बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारी भी यही स्थिति हो जाएगी अगर हमने ये घर के अंदर इतना अटैचमेंट रख के रखा, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, इधर हम या तो वो कॉकरोच या लिजर्ड या चाइट और चीटी या ऐसा ही करके इधर ही घूमते रहेंगे, वो कैलाश की तरह। वी आर नॉट मेंट फॉर दैट यार, we are meant for a very serious Krishna consciousness, we are not meant for this purpose. Life के अंदर इतना maturity होना चाहिए। मैं हमेशा विचार करता हूँ, आप देखो प्रभु जी, प्रभुपाद को जो है कृष्ण कॉन्सियसनेस क्यों ज्यादा मिला है, क्योंकि प्रभुपाद के पिताजी ने बहुत फोकस कृष्ण कॉन्सियसनेस दिया था। प्रभुपाद के पिताजी जो है प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि मैं जब भी उठता था सुबह में तो मेरे पिताजी आरती करते थे, माला करते थे, और वही मैं उठता था तभी यही देखा है मैंने पिताजी का। और जैसे जैसे मैं जो है दोपहर में जब भी मेरे पिताजी ऑफिस दुकान से आते थे तब साधु लोग को घर पर लेके आते थे, और मेरी माँ जो है सबके लिए प्रसाद बनाती थी और प्रसाद बना करके सबको खिलाती थी, और मेरे पिताजी सिर्फ एक ही जब आशीर्वाद मांगते थे ये सब साधु लोग से कि जो है तुम मेरे बेटे को राधा जी का डिवोटी बनाओ। ये प्रभुपाद जी हमेशा कहते रहते थे, मेक माई सन ए डिवोटी ऑफ राधा रानी। ये संस्कार प्रभुपाद को उस समय से मिला था, एंड सी द कल्टीवेशन उनका क्या हुआ, वहां तक हुआ प्रभु जी के प्रभुपाद वॉज सो इंडेटेड टू हिज फादर कि वो जो कृष्णा बुक भी जो है ना, वो कृष्णा बुक प्रभुपाद हैज गिवन टू हिज फादर, करेक्ट।
स्पिरिचुअल लाइफ इज अ लाइफ ऑफ हार्ड कोर कमिटमेंट. इट इज नॉट ए गुडी गुडी बिजनेस. दिस हाउस इज मेंट ओनली एंड ओनली फॉर वन पर्पस, टू सी टू इट दैट वी गो ऑन रिमेंबरिंग कृष्णा मोर एंड मोर एंड मेक अवर फोकस कृष्णा कॉन्सियसनेस. वरना क्या है, घर तो जो है हमारे कर्मी की तरह हो जाएगा. घर उसके लिए नहीं है. हमारे आचार्य बहुत क्लियर बताते हैं कि एक राइट टाइम पे तुमको वो घर छोड़ना ही पड़ेगा. अगर छोड़ नहीं पाया तो तुमको धीरे से प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा, धीरे 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 वो घर से बाहर निकलो. और बाहर निकलते जाओ और तुमको वो अटैचमेंट घर से नहीं होना चाहिए. एक स्थिति ऐसी आ जाए कि तुम किधर भी रहो, तुम्हारे घर पे रहो कि किधर भी रहो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज अ मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस. दिस इज रिक्वायर्ड. तुम्हारा जैसे यंग बच्चे लोग के लिए नहीं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमने नहीं किया ये, तो यही घर जो है ना हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस से बाहर लेके जाएगा. माया ने ट्रैप किया हमको. क्या यार, बड़ा घर को क्या करना है? कहां है वो सब बड़े बड़े घर भाई? कहां गए सब घर बड़े बड़े? आई कैन टेल यू अबाउट माई हाउस. प्रभु जी, मेरा जो जूहू में घर था, इट इज 1800 स्क्वायर फीट कारपेट. अभी आज के दिन उसका वैल्यू 15 करोड़ रुपए के ऊपर हो जाएगा. लेकिन वो किधर है? वो घर की क्या हालत हुई है पता है प्रभु? वो घर जो है इतना खराब स्थिति में हो गया कि वो जो है प्रभु, वो म्यूनिसिपालिटी ने बोला कि नहीं, अभी ये घर जो है तोड़ना पड़ेगा. तो सब लोग ने बोला, सब दूसरे सब वो सब वो फ्लैट ओनर थे कि नहीं ऐसा बोर तोड़ नहीं सकता है, हम तोड़ नहीं सकते इसको. तो क्योंकि अगर तोड़ नहीं सकोगे तो जो है हम लोग आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन बंद कर देते. प्रभु, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन बंद कर दिया और सबको घर से फरजियात निकलना पड़ा. और अभी मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है कि वो लोग उसको तोड़ रहे हैं. क्या हुआ यार, क्या हो गया इसका? खत्म. ठीक है भाई, वो लोग आगे करेंगे, उसको रीबिल्डिंग करेंगे, रीडेवलपमेंट करेंगे, बट वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग. ऐसा मेरी स्थिति. और फिर वो जो अटैचमेंट होता है वो घर के साथ में, क्या हालत होगी यार? कहां तुम कृष्णा को याद कर सकते हो? क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड हो गया? माया ने ट्रैप कर लिया. माया ट्रैप्ड. वी आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस प्रभु. वी आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस. और कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी सो मैच्योर. अरे प्रभु, नहीं होगा तो नहीं चला जाऊंगा मैं इधर से, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये. वी हैव ए बिगर हाउस ओनली फॉर वन पर्पस. इफ वी कैन सर्व द डिवोटीज देन इट इज अ बिगर हाउस. इफ वी कैनॉट सर्व द डिवोटीज दैट हाउस इज नॉट मेंट फॉर दैट, देन प्रभु इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. लोगों को दिखाना है मेरा बड़ा घर है. लोग मेरे आकर के बोले भाई अपना अपना स्टेटस सिंबल बहुत बड़ा है, इसके पास 3 बेडरूम 4 बेडरूम का फ्लैट है, बड़ा आदमी हो गया है. इसके लिए है क्या? ये तो पूरी कर्मी लोग भी कर रहे हैं, उसकी वजह से तुम इधर लटक जाओगे. दिस इज नॉट अ साइन ऑफ ए डिवोटी प्रभु. बाहर से तिलक और कंठी माला पहनने का, बड़ा ढमढम करने का, पर बताने का अपना स्टेटस, अपना भक्ति भी कर रहा हूं लेकिन अपना फ्लैट बड़ा है, स्टेटस सिंबल दिखाने का. क्या यार, हमको धोखा, कृष्णा बोलते मेरे को धोखा दे रहा है क्या? ड्रामाबाजी कर रहा है क्या? तेरा अटैचमेंट तो घर के साथ में है, ऊपर से तिलक और गढ़ी माला लेकर के दम 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 कर रहा है, दिखा रहा है. अगर मैं तेरा घर का कुछ गड़बड़ कर लूंगा तो तू मेरे को थोड़ी याद करने वाला है. तेरा घर का अटैचमेंट इतना हो गया तो कुछ नहीं करेगा वो. प्रभु, कृष्णा भक्ति इज नॉट सो सिंपल. सब दे देना पड़ेगा भाई, सब दे देना पड़ेगा. आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, हमारा जो हरिदास ठाकुर का राधानाथ महाराज का वो लेक्चर है, वो लेक्चर में महाराज बता रहे थे कि इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, अगर आपको चैंटिंग का टेस्ट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा कि चलो भाई आपके पास सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका जो है हार्ड कोर डिटर्मिनेशन, सर्विस एटीट्यूड, व्हाट इज द थर्ड थिंग विच वी हैड, बट एक चौथा पॉइंट महाराज बहुत सीरियस बता रहे थे कि ये सब चीज होगा आपके में, सर्विस एटीट्यूड होगा आपके अंदर, डिटर्मिनेशन भी होगा, आप जो है प्रभु जी बहुत सीरियस भी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गए, लेकिन एक चीज होना चाहिए, एक वो अगर नहीं होगा तो तुमको हरिनाम का टेस्ट नहीं मिलने वाला है. और वो चौथा चीज क्या था?
वरा तो बोला यू शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर गेटिंग द टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम. यू शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आपको जो है कृष्णा को बताना पड़ेगा कि मेरे को जपा करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं, कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं. तभी कृष्ण तुमको मफत वो इतना ऊंचा देगा. कृष्णा पहले ही अपने को बोलेगा कि घर छोड़ना पड़ेगा अगर हरि नाम का टेस्ट चाहिए तो. हाउ मेनी पीपल आर रेडी फॉर दैट. मेरे को तो मैं हिल जाता हूं प्रभु जी, लेट मी टेल यू फ्रैंकली. बट इफ यू वांट टू हैव इट यू हैव टू पे द प्राइस. हरि नाम का टेस्ट दूंगा, रास्ते पे छोड़ दूंगा. करना तैयार है? आर यू रेडी? प्रभु शुद्ध भक्ति बहुत कठिन है. हम दिखावा में रह जाते हैं, दिखावा में रह जाते हैं. इतना सहला नहीं है. ये मेरा अनुभव है प्रभु, आई माइट बी रॉन्ग. जब भी बहुत अच्छा व्यक्ति घर बना लेता है ना, तो वो जो है प्रभु, जब भी वो उसका अटैचमेंट डेफिनेटली घर से हो ही जाता है. उसका सॉल्यूशन क्या? एक बार मैंने महाराज को पूछा था, मैं तो महाराज इसका सॉल्यूशन क्या, अगर मेरे पास लक्ष्मी दिया कृष्णा ने तो मैंने जो है भगवान घर तो बना लिया, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली मुझे अटैचमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अभी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो है मुझे लग रहा है कि मैं जो है इसका सेवा में लगाऊंगा, तो मैं अटैचमेंट कैसा ना रहा वो घर से. बहुत सुंदर दिया था हमारे सबके लिए, बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु. पहला तो कृष्णा को सीरियस फोकस करना पड़ेगा आपको. तो मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरियस फोकस? सीरियस फोकस का मतलब है तुम्हारे लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है कृष्णा ही फोकस है, दूसरा कुछ नहीं. सुबह में सब जपा कर रहे हो, कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस है, ऑल्टर ही हमारा सब कुछ है. जो भी भक्त आता है वो भक्त को जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा शेल्टर मिल रहा है. तुम्हारे लाइफ में भी खाली कृष्णा सेवा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस सेवा, दूसरा कुछ नहीं है. पहला ये फोकस हो जाना चाहिए. दूसरा, तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी प्रीचिंग प्रोग्राम्स या जो कुछ भी आप कर रहे हो, इट शुड बी एब्सोल्युटली फोकस ओनली विद द हाउस, जिससे हाउस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस में हुए. तीसरा, तुम्हारा खुद का भी लाइफस्टाइल से भी कृष्णा को कन्विंस होना चाहिए कि ये घर के अंदर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये घर खाली भक्तों के लिए ही है. ये तुम्हारा लाइफस्टाइल से मालूम होना चाहिए. ये सब चीज बराबर होगा तो देन यू कैन से क्या नहीं, ये घर बराबर है मेरे लिए, मेरा नहीं है कृष्णा का है. लेकिन घर है अरे बनावा मोटू, पाछू फर्स्ट क्लास करो, पाछू वधारे करो, दिखाड़ो करता रहो, सबको दिखाते रहो, ये क्या तुम्हारा कृष्णा है क्या? त्या इट इज अ स्टेटस सिंबल. स्टेटस सिंबल से तुमको कृष्णा मिलने वाला है क्या? दैट इज नॉट कृष्णा. कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन नॉट गो टुगेदर. बस सिंपल है. कृष्णा भक्ति चाहे तो कीमत दो, अगर नहीं कीमत देना है तो भाई बातें करते रहो. हमारा छह गोस्वामी का कितना बड़ा बड़ा घर था भाई, खास करके पहले तीन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, कितना बड़ा बड़ा घर था उनका. तो अगर आप रामकेली में जाओगे तो उनका घर कितना बड़ा था प्रभु. कृष्णा भक्ति के लिए क्या कीमत दिया है भाई, क्या कीमत दिया है. ये व्यक्ति जो है इतना बड़ा घर होने के बाद में वृंदावन में झाड़ के नीचे सोने लगे भाई, और वो भी हर एक हर एक हर एक दिन अलग अलग झाड़ पे सोने लगे. ये कीमत चुका है, तभी उनके गोस्वामी के पुस्तक के अंदर इतना रियलाइजेशन आता है. मफत में मिलता है क्या? प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ा ना, छोड़ दिया प्रभुपाद ने, छोड़ दिया प्रभु जी, हिम्मत करके छोड़ दिया ना.
अरे वाह, प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया भाई, और छोड़ दिया फिर बाद में जो है प्रभु जी यस प्रूव टू कृष्णा कि आई हैव पेड द प्राइस कृष्णा, आई हैव पेड द प्राइस, एंड देन ही गॉट सच ए नाइस रियलाइजेशंस, नो पेन नो गेन भाई, वी हैव टू पे अवर प्राइस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी हैव टू गो ऑन चेकिंग इट। अगर कृष्णा भावनामृत मेरे बीच में आ रहा है ये घर की वजह से, तो मैं घर भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। दैट इज सीरियसनेस, दैट इज कमिटमेंट, दैट इज सिंसेरिटी। इट्स नॉट अ टॉकिंग टॉकिंग बिजनेस, अ गुड़ी गुड़ी बिजनेस, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। और एक चीज पक्का है प्रभु, दिस इज माई हार्ड कोर कमिटमेंट। जितना बड़ा घर उतना बड़ा अटैचमेंट, उतना बड़ा अटैचमेंट की वजह से मृत्यु के वक्त पे कृष्णा को याद करना बहुत कठिन है। अनलेस अनटिल वो घर 100% कृष्णा की सेवा में है, और वो घर में आपको जो है गहरा भी जो है कृष्णा भावनामृत के सामने आपको वो घर के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं, आप छोड़ने के लिए तैयार हो और उस तरह से प्लानिंग करते ही रहते हो, तो देन इट विल नॉट बी अ बर्डन, अदरवाइज एब्सोल्युटली हिल जाओगे प्रभु। वो कैलाश के जैसा ही हमारी हालत होने वाली है। इट्स नॉट सो इजी प्रभु, इट्स नॉट सो इजी, हिला देगा भाई। हमारे गोपीनाथ मंदिर में हर एक ब्रह्मचारी को 3 फीट बाय 3 फीट का एक बॉक्स दिया जाता है, करेक्ट, वो बॉक्स ही उसका घर है। तो मुझे हमेशा ये ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं कि प्रभु वो बॉक्स मेरे को बहुत याद आता है, वो बॉक्स में क्या क्या रखा है मेरे को सब जगह पे सब चीज़ मालूम है, वो बॉक्स ही उसका घर है, करेक्ट। मैं हमेशा विचार करता हूँ प्रभु कि एक छोटा सा बॉक्स के लिए भी वो लोग को थोड़ा बहुत अटैचमेंट आ जाता है, तो अरे ये घर का तो अटैचमेंट कैसा मारेगा यार अपने को, क्या मारेगा अपने को। एक स्मार्टफोन जो है ना प्रभु जी, अभी तो ये सब स्मार्टफोन का तो क्या पागलपन चल रहा है ना प्रभु जी, आज के दिन जो है काम वाली बाइक को भी स्मार्टफोन के बिना नहीं चल सकता है, इतनी हालत बढ़ गई है। तो आज के दिन जो है प्रभु, एक स्मार्टफोन जो है अगर गुम हो गया या तो टूट गया, तो व्यक्ति 3 दिन तक सो नहीं सकता है। मेरा अनुभव किया है, 3 दिन मिनिमम नहीं सो सकता है। थोड़ा अंदाजा लगाओ ये घर छोड़ना होगा तो क्या हालत होगी यार, क्या हालत होगी अपनी। और उसमें भी वो स्टेटस सिंबल के साथ में तुम रहे हैं, मेरा घर बड़ा, लोगों को आकर के देखना चाहिए। तो मैं आ घर जो करी, तो मैं आ रूम जो करी, तो मैं आ डेकोरेशन जो करी, तो मैं आ बराबर इंटीरियर जो करी, आ व्यवस्थित जो कर नहीं, यानी क्या तुमको दिखावा करने का है, यू वॉन्ट टू शो योर सेल्फ। That means you have not done for Krishna, you have done for your sense gratification. क्या हमको अक्कल आती तो कृष्णा को अक्कल नहीं आएगी क्या? ठीक है, करो तुम, डेफिनेटली तुम ये सब करते रहो, लेकिन प्रभु कृष्णा भावनामृत में दूर होते जाओगे। हमारा ये मकसद नहीं है, एक जेन्युइन डिवोटी ये होना चाहिए कि उसके जीवन के अंदर क्लैरिटी आ जानी चाहिए, कृष्णा कोई भी हालत में यह जन्म मिला है किसी माँ के पेट में अभी जाना ही नहीं है मुझे, उसकी कोई भी कीमत चुका दूंगा, मैं कोई भी कीमत चुका दूंगा, लेकिन इधर से निकलना है। ये घर मेरा बंधन रूप नहीं हो जाना चाहिए जिससे मैं यहाँ पे लटक जाऊँ। दिस इज सीरियसनेस। और टेक माई वर्ड्स, बम्बई में तो क्या प्रॉब्लम हो गया है प्रभु। हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं मुंबई में जिन्हें रोटलो मड़े पर ओटलो ना मड़े, यानी मुंबई में रोटी मिल सकता है लेकिन ओटलो यानी घर नहीं मिल सकता है। अभी वो स्थिति के अंदर प्रभु, मुंबई में अगर कोई आदमी का अचीवमेंट होता है तो उसने अपना खुद का घर है विदाउट लोन, ना लोन पहला तो बहुत लाइन लगी है, पर लोन बोन के बिना मेरा घर है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसका लाइफ लॉन्ग का अचीवमेंट ये है उसका खुद का घर। कैसे प्रभु जी उसका अटैचमेंट उसमें से नहीं रहेगा, क्या माया ने ट्रैप मारा है,
कैसे वो घर की वजह से जो है प्रभु उसका अटैचमेंट नहीं आएगा, और वो अटैचमेंट की वजह से वो उसको शुद्ध भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा बंधन रूप हो जाएगा। सो डिफिकल्ट इट इज। मैंने महाराज को पूछा था एक बार कि महाराज ये अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, बम्बई में रहना तो है, फ्लैट तो लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन क्या है? द बेस्ट सॉल्यूशन इज आप घर के अंदर ऐसा फोकस रखो कि कृष्णा शुड बी कंप्लीटली फोकस। तुम्हारे घर के अंदर लाइफस्टाइल, तुम्हारे घर के अंदर एक्टिविटीज, तुम्हारे घर का दिनचर्या, तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ओनली कृष्णा इज द फोकस, नथिंग एल्स। ओनली कृष्णा इज द फोकस। अरे प्रभु यू हैव कम, सरप्राइजिंग प्रभु जी, आई कांट इमेजिन दैट यू आर हियर। आई कांट इमेजिन प्रभु जी कमिंग हियर, सच ए बिजी पर्सन। वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रभु जी, वेरी डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली स्टेइंग इन बॉम्बे, स्पेसिफिकली यू नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग साधना इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली कम इन टू दिस ट्रैप, डेफिनेटली। दूसरे सबका छोड़ो ना, हमारा खुद का बात करो ना, अगर आपको बोला जाए अभी प्रभु आपका जो आपने पूरी जिंदगी में जो ये घर बनाया है ना, ये घर जो है आपको छोड़ना क्या है, और वो मृत्यु के वक्त पे छोड़ना नहीं है, अभी से छोड़ने का प्लानिंग करने लगो, और आप तैयार हो क्या? टेक माई वर्ड्स, मेजोरिटी विल बी एबल टू टेल के नहीं प्रभु तैयार नहीं है, सीरियस हृदय से बात करेगा तो बोलेंगे मैं तैयार नहीं हूं, मेरे को इधर से अच्छा लगता है, शेल्टर मिलता है, मैं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा, मुंबई में दूसरा घर किधर मिलेगा? ऐसा नहीं है कि मुंबई में सब रहता है, दूसरा कुछ जगह ही नहीं है, नहीं रह सकेंगे प्रभु। सो डिफिकल्ट इट इज, सो डिफिकल्ट, बट दिस इज द प्राइस फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। रूप गोस्वामी छोड़ दिया, सनातन गोस्वामी, अरे कितना बड़ा उनका महल था, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, छोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी छोड़ दिया, प्रभुपा छोड़ दिया। अभी ऐसा मत समझना कि प्रभु छोड़ना ही पड़ेगा, प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर जो है, प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर ने छोड़ा नहीं, ऑफ कोर्स एट द एंड में उसने छोड़ा है, संन्यास लिया है, लेकिन प्रभु उन्होंने अपना घर में रहा है। ऐसा मत फेनेटिक ने समझना कि घर में रहना ही, घर छोड़ना ही चाहिए, नहीं, पर तुमको अटैचमेंट तो छोड़ना ही पड़ेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रभु, अपने घर पे रहने के बावजूद भी इतने डिटैच थे कि आप थोड़ा अंदाजा लगाओ, गौर किशोरदास बाबा जी और जगन्नाथ दास बाबू जी ने अपनी कुटिया भक्ति विनोद ठाकुर के बंगले के बाजू में बनाई थी। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का कंटिन्यूसली हमको संग मिलता रहा। क्या ये व्यक्ति की डिटैचमेंट होगी जिसको 10 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपना घर कुटिया बाजू में बनाई, जिससे जो हम उनके साथ में रहे, वो जब भी जो कुछ भी करते रहे हम उसके साथ में संग में रहे, और ये संग हमको इतना अच्छा लगता है। अभी एक साधु जो है गृहस्थ के साथ में रहने की तैयारी इच्छा रखता है। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, ये डिटैचमेंट है, और ये किया उन्होंने, बराबर सरा बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, 10 और 10 बच्चे को बराबर करवाया, सब चीज करने के बाद में राइट टाइम हुआ तो उन्होंने भी वो घर छोड़ा है। उन्होंने भी संन्यास लिया है प्रभु। वी हैव टू सी प्रभु जी, एक चीज पक्का है, आई समहाउ आई फील इट, प्रभु एक ना एक दिन वो अटैचमेंट छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर वो अटैचमेंट नहीं छोड़ा आपने तो ही घर ही तुमको जो है ना कैलाश के जैसा बनाएगा। इधर इधर पड़े रहेंगे हम लोग, चीटी या कॉकरोच या लिजर्ड बन करके घूमते रहेंगे। दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ यू आर सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर इधर ही पड़ा रहने का है, रबर स्टैंप रखने का, आई एम ए डिवोटी, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीरियसनेस नहीं है, तो देन ठीक है, करते रहो ना यार। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर हार्ड कोर कमिटमेंट है तो वो सीरियस हो जाएगा, नहीं यार हेल और हेवन कुछ भी होगा यार, घर रख ठीक है, क्या करें, पैसा है मेरे पास, मैं ले लेता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि वो घर की वजह से मेरी कृष्ण भक्ति के अंदर एक बंधन रूप हो जाए। यू नो व्हाट इज वानप्रस्थ लाइफ, व्हाई वानप्रस्थ लाइफ इज रिक्वायर्ड,
फॉर अस वाई इट इज रिक्वायर्ड प्रभु, इट इज वेरी प्रैक्टिकल। लोग समझे ही नहीं और अभी समझने की कोई कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वानप्रस्थ लाइफ जो ना 60 साल के तक तो वो नौकरी करता है, 60-70 साल में सब वाइंड अप करता है, तब तो मर जाता है, तो वानप्रस्थ तो बहुत लंबा हो जाता है। बेसिकली वानप्रस्थ लाइफ इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर वन पर्पज, इट इज द प्रोसेस फॉर डिटैचमेंट, इट इज अ प्रोसेस फॉर डिटैचमेंट। आप जो है जितना जल्दी वानप्रस्थ लाइफ का प्रोसेस में ही चलता रहेगा, अभी जैसा वानप्रस्थ लाइफ हुआ, घर से कम होते गए, बाहर जाते गए, फैमिली मेंबर से डिटैच होते गए, सोशल लाइफ से डिटैच होते गए, कपड़े से डिटैच होते गए, ऑफिस से डिटैच होते गए, जॉब से डिटैच होते जाते हो, कम करते जाते हो ना, यू बिकम मोर एंड मोर डिटैच, एंड वो डिटैचमेंट जो है कृष्णा के साथ में डाइवर्ट करके कृष्णा से अटैचमेंट किया, दैट इज वानप्रस्थ लाइफ। क्यों ऐसा किया? जब भी जो है वो देह छोड़ेंगे तभी ये सब डिटैचमेंट होने से और कृष्णा में अटैचमेंट होने से हम जो है हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस करके कृष्णा को याद करके मरे, दैट इज द मीनिंग। घर एक बंधन रूप हो जाता है फिर, अगर बराबर सीरियस नहीं ले लिया तो। वी आर नॉट मेंट फॉर दैट, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। मेरे को हमेशा प्रभु जी, कोई भी बड़ा घर लेता है ना, बड़ा धक 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 बनाता है ना, टेंशन आता है, उसके वजह से लटक ना जावे इधर भाई, लटक ना जावे। एक एग्जांपल दे दू, आई विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट इन माई लाइफ। राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर अगर जो लोग बहुत पहले आए थे ना प्रभु, तो उनको मालूम था गोपीनाथ मंदिर का कोई बड़ा स्टेटस नहीं था, इट वॉज अ वेरी कंस्ट्रक्शन वाइज, स्टेटस वाइज, फाइनेंस वाइज, इट वॉज नॉट अ बिग थिंग। तो फिर बाद में जो है प्रभु, टू मैनी लक्ष्मी के देन एवरीथिंग वॉज नाइसली डेकोरेटेड, ये वो सब अच्छी तरह से पत्थर का मंदिर बनाया गया, ये सब बनाया गया। ये सब बनाने के बाद में बहुत अच्छा बन गया, वो इटली का पत्थर लगाया और वो सब चीज़ बनाया, सेंट्रल एसी भी कर दिया, ये किया वो किया। महाराज ने, राधानाथ महाराज ने एक बार मीटिंग किया, आई वॉज सो हैप्पी विद दिस, ये इंसिडेंट से मेरे को इतना इंस्पिरेशन मिला। महाराज ने आकर के बोला कि मुझे लग रहा है कि गोपीनाथ का ऑपुलेंस बढ़ते जा रहा है, गुड नथिंग रॉन्ग, गोपीनाथ का ऑपुलेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन गोपीनाथ को ऑपुलेंस बढ़ने के बाद में हमारा स्टैंडर्ड अगर उसके वजह से हम भी आगे बढ़ जाएंगे तो दैट मीन्स वी आर किलिंग अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। गोपीनाथ का ऑपुलेंस बढ़ेगा लेकिन मेरा स्टैंडर्ड स्पिरिचुअल लाइफ का बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा लाइफस्टाइल जो है नीचे जाना चाहिए, तो ही मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का वेटेज या उसका जो है ना मैं एब्जॉर्ब कर पाऊंगा और कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छी तरह से मेंटेन कर पाऊंगा। गोपीनाथ ऑपुलेंस बढ़ो, लेकिन मेरा जो है लाइफस्टाइल जो है और सिंपल होना चाहिए, तो ही ये ऑपुलेंस मैं पचा पाऊंगा, नहीं तो मैं पचा नहीं पाऊंगा। तो सब लोग बोले महाराज वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, नाउ आई हैव डिसाइडेड वन थिंग कि मेरे जो भी कपड़े हैं, पहला तो सब मेरा रूम तो वो का वो ही रहना चाहिए, गोपीनाथ बेस्ट, मेरा लाइफस्टाइल वो का वो, मेरा लाइफस्टाइल में वही, कोई फर्क नहीं चाहिए। दूसरा, मेरे कपड़े आप लोग धोते थे ना, अभी मेरे कपड़े मैं धोऊंगा। बोलो महाराज इतना तुम्हारा मीटिंग मीटिंग सो भी होगा, मेरे कपड़े मैं ही धोऊंगा। तीसरा, मेरे लिए अलग से प्रसाद बनाते हो ना, अलग मेरा प्रसाद बनाते हो, मेरे लिए कोई अलग प्रसाद नहीं बनेगा, जो नीचे प्रसाद बनेगा वही प्रसाद में नीचे आकर के खाऊंगा। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। इस समय ऐसा आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी प्रभु, आई वॉज सो हैप्पी। फिर बाद में महाराज का वापस बढ़ते गया तो सब लोग ने, महाराज ये प्रैक्टिकल नहीं है, इतना मीटिंग रात को 2-2 बजे तक जो है तुम्हारा मीटिंग चलता है फिर कपड़ा धोने जाते हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है,
फिर जो है उनका ये दूसरा हेल्थ इश्यू इतना आ गया कि महाराज अभी तुम थोड़ा ये बराबर नहीं करोगे तो तुम इधर ही लटक जाओगे, इतना हेल्थ इश्यू है, ये तुम्हारा डाइट है, तुमको करना पड़ेगा। तब फिर बाई फोर्सिबली महाराज का एक अलग से वो किचन बनाना पड़ा। पर महाराज वॉज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। गोपीनाथ वंडरफुल, मेरा स्टैंडर्ड वो कब हो। आई रिमेंबर प्रभु, आई रिमेंबर, आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट। सी प्रभु जी, ऐसा एक इंसिडेंट होता तो बहुत अच्छा कन्विक्शन आता है। मैं जब भी रहने को गया था मंदिर में, तो मेरे को गोविंद प्रभु ने किसी ने बताया कि महाराज के पास स्लीपर और चप्पल नहीं है, तुम अच्छा चप्पल लेके आओ। मुझे मालूम नहीं था ये क्या चप्पल, क्या मैं स्लीपर लेके आओ, उन्होंने बोला स्लीपर लेके आओ। तो प्रभु उस समय मैंने, आई स्टिल रिमेंबर, ये आज से 20-25 साल पहले की बात है, 12 रुपये में मैं स्लीपर लाया था। आई नेवर फॉरगेट दैट रेट ऑल्सो, 12 रुपये में मैं स्लीपर लाया था प्रभु में, और वो 12 रुपये का स्लीपर मैंने उनको दे दिया, वो उसका जो सर्वेंट था उसको, और वही 12 रुपये का स्लीपर महाराज ने जब तक वो पूरा सेशन 6 महीना रहा वही 12 रुपये का स्लीपर ही पहना उन्होंने, और मैं वॉच कर रहा था महाराज मेरा, मुझे मालूम था मेरा स्लीपर मुझे मालूम था वो स्लीपर, एंड बिकॉज आई वॉज वॉचिंग इट आई थॉट यार दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट इज कमिटमेंट। मैं दूसरा भी वॉच कर रहा था, मैं महाराज का है ना एक धोती था, वो लिंगी वो सन्यासी पहनते ना, वो उसमें फटा हुआ था, महाराज ऐसे ही चलाते थे, वो फटा हुआ धोती मैंने 6 महीना तक महाराज को देखते रहा था मैं। आई वॉज वॉचिंग है महाराज वही धोती पहनते रहते थे, ऑफकोर्स इट वॉज नॉट शॉर्ट फॉर दैट इज बॉडी वॉज बीन सूट, पर फटा हुआ था, महाराज वॉज वेरिंग द सेम थिंग। इधर ऑपुलेंस है यार, क्या ऑपुलेंस हो गया, एसी सेंट्रल एसी, इधर फटा हुआ धोती पहनता है वो व्यक्ति, वो सबका गुरु है। प्रभु कृष्णा इसको सीरियसली लेता है, कृष्णा इसको सीरियसली लेता है। यार लाइफ भी कैसा है प्रभु, कभी भी कुछ हो जाएगा यार, थोड़ा भी अटैचमेंट हो गया तो क्या हो गया प्रभु जी, थोड़ा तो देखो। आई टू गिव एग्जांपल अबाउट माय ऑफिस, कितनी बार बोला वो आग लग गई थी, और एक दिन में करोड़पति मेरे पार्टनर थे, वो एक दिन में रोड पे आ गए थे। अगर तुम्हारा अटैचमेंट घर का होता और ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, क्या होगा प्रभु जी। अभी के तो स्टॉक मार्केट प्रभु, एक चीज उल्टा होता है, एक चीज पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, टॉप से सीधा बॉटम, और उसमें आपका अटैचमेंट, क्या हालत होगी यार तुम्हारी। तो हाउ मच मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस टू देखने का ये क्या हालत होगी। दैट्स व्हाई कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, डोंट टेक सो मच मटेरियल थिंग्स सो सीरियसली दैट यू डिस्टर्ब योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। ऐसा एस्पिरेशन, ऐसा बिग बिग ड्रीम्स मटेरियली मत रखना कि जिसके वजह से जो है तुम्हारा कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाए, नहीं चाहिए वो यार। 10-15 साल की मजा मस्ती और वापिस हमेशा के लिए इधर पड़ा रहने का क्या पाया, बेहतर है वो वापिस इतनी जिंदगी तो रखना ही है ना हम लोग ने, वो फ्लैट के पहले तो रगड़ते नहीं थे क्या, थोड़े और साल रगड़ लेंगे यार, पर लेकिन खत्म तो हो जाएगा अपना, थोड़ी मजा मस्ती की और इधर लटक गया और फिर बाद में इधर ही पड़े रहे, क्या पाया। अरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करो, नहीं चाहिए वो। हाँ ठीक है, अगर कृष्ण ने दे दिया है और आपको पास लग रहा है कभी ये करूँगा क्या, मरने का टाइम आ गया, ठीक है माफ कर लो, लेकिन कंटिन्यूसली याद रहते रहना चाहिए कि कोई भी हालत में ऐसा कुछ ऐसा ना हो जावे कि इसके अटैचमेंट से मेरा जिंदगी का मृत्यु जन्म मृत्यु का छेड़ा अटक जावे। आई डेफिनेटली नो वी डोंट वॉन्ट दैट, कभी भी हम नहीं करेंगे ऐसा, वी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन उधर से लटक नहीं जाने का है प्रभु। दिस इज सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस, नो मोर गुड़ी गुड़ीनेस। हमारे कितना फ्लैट का अटैचमेंट्स होता है, मेरे रघु जो इधर जॉब कर रहा था पहले, उसका बॉस था ना प्रभु, ही ऑलवेज हैड अ डिज़ायर टू स्टे इन नेपियंसी रोड और सम प्लेस, उसको उधर ही रहने का था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो प्रभु जी क्या करता था वो व्यक्ति, बोले मेरे को कभी भी वो फ्लैट नहीं लेना, तो उसने 4 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लिया
और 3 लाख रुपए का भाड़ा देता था वो। मतलब क्या पागलपन है यार ये, तो कह रहे स्टेटस सिंबल, तो क्या पागलपन है यार ये सब, क्या पागलपन है ये, ऐसा जीने का नहीं है अपने को प्रभु जी, वी डोंट वॉन्ट दैट वे। मैं हमेशा सब लोग को बोलता हूँ प्रभु नाउ तो आई टेल एवरीबडी, प्रभु जी अगर पैसा नहीं है ना भाई भाड़े पे रहो यहाँ पे और थोड़ा कमा लो, 15-20 साल के बाद में इधर से बम्बई से निकल जाओ, बम्बई में फ्लैट का ही प्रॉब्लम है ना, अभी तो नासिक जाओ, निगड़ी जाओ, उधर जाओ, वहाँ पे रहो, बहुत सिंपल छोटा सा फ्लैट बराबर सस्ता भी मिल जाएगा, बम्बई में रहो कि निगड़ी में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रभु, टेक माई वर्ड्स नाउ। मैंने एक डिवोटी ऐसा देखा है शोलापुर में रहता है, कितना कहाँ रहता है यहाँ से शोलापुर कितना घंटा लगता है, 8-10 घंटा लगता है प्रभु, टेक माई वर्ड्स। मैंने वो डिवोटी को देख करके मेरे को कन्विक्शन आ गया कि दैट डिवोटी इज मच मोर नियर टू गोपीनाथ राधर देन वी स्टेइंग ओवर हियर। सुबह में 5 बजे सीधा 5 बजे मंगल आरती चालू होती है, तभी उसका वो क्या उसने कुछ कंप्यूटर के साथ में कुछ कनेक्शन कर लिया है प्रभु, 5 बजे जो है प्रभु वो कनेक्शन हो जाता है और 1 बजे तक वो कंप्यूटर चलता ही रहता है, कंटिन्यूसली दर्शन करता रहेगा, वो वृंदावन का भी करता रहेगा, मायापुर का भी करता रहेगा, क्या क्या, फिर सुबह में शाम को वापिस 4-4:30 बजे दर्शन चालू होता है, 9 बजे तक उसका चालू रहता है, एक प्रोग्राम जो है प्रभु वो मिस नहीं करता है उधर से, एक भागवतम क्लास मिस नहीं करता है, एक प्रेरणा चेतना जो भी है सब मिस नहीं प्रभु। जब भी वो आता है ना सोलापुर से तो मुझे हमेशा बोलता है ये प्रोग्राम में ये बोला, क्या तुम बोल रहा है यार, तुम इधर रहता है कि सोलापुर में रहता है, अटैचमेंट प्रभु, और हम इधर रहते हैं तो हम इधर रहते हैं, हमारा कुछ वी नो वॉट वी आर प्रभु, वी कैन चीट एवरीबडी, कितना भी टोपी हम घुमाएंगे, वी कैन चीट एवरीबडी बट वी कांट चीट कृष्णा, वी कांट चीट कृष्णा, कितना भी डिप्लोमेटिक भाषा वापरेंगे ना, ये घुमाएंगे ना, ये घुमाएंगे, अरे करो ना यार, गांव को जो भी करना करो, लेकिन वी कैन नॉट चीट कृष्णा, वी हैव टू बी हार्ट टू हार्ट वेरी क्लीन इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा दिस इज वॉट आई एम। हाँ हो सकता है आपका अटैचमेंट है तो आपको सीरियसली उसके लिए प्लानिंग करना है, कृष्णा मेरे को संभाल लो बाबा, मेरी हालत खराब है, मेरे को ऐसा नहीं हो जाए कि मैं लटक जाऊँ इसकी वजह से, मुझे ऐसा नहीं करने का है, मुझे निकलना है, 10-15 साल की मजा मस्ती और वापिस इधर लटकते जाने का, यार दैट इज वॉट ए नॉनसेंस इट इज, क्या नॉनसेंस है यार, एक तो 25 साल तक फील्डिंग भरा एक घर लेने के लिए, उसके लिए कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब किया, फिर बाद में घर आने के बाद में अटैचमेंट के लिए उसके लिए कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब किया, आखिरी जिंदगी बर्बाद किया और फ्लैट तो वो छोड़ करके तो निकलना पड़ा, क्या पाया मैंने यार, क्या पाया, ऐसा जिंदगी नहीं जीने का है भाई, निकल जाएगा अपन, दिस इज सीरियसनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा ये देखता है कि अरे मेरे लिए कुछ भी देने के लिए तैयार है, तभी मैं उसको कुछ हायर टेस्ट दूंगा, वरना मैं हायर टेस्ट नहीं दूंगा उसको, हम लड़ना ये नहीं लटकते रहेंगे प्रभु जी। एक चीज याद रखना, दिस इज अभी मैं माइंड कर लेता हूं बस, बापरे बोलू थे यार, 5 मिनट चलू, एक चीज याद रखना, एक चीज, दिस इज टू गेट ए टेस्ट इन चांटिंग द होली नेम इज पॉसिबल ओनली बाय कृष्णास कॉजलेस मर्सी, देयर इज नो शॉर्टकट, कितना भी तुम इधर उधर घुमाएगा ना कोई शॉर्टकट नहीं है, there is no shortcut, the only way to get a taste in chanting the holy name is only by krishna's causeless mercy, there is no other way, dusra sab karega, subah mein uthega na aisa bolega na aisa karega na one name at a time aur sab cheez karega, wonderful, nothing wrong, but to get the taste is only by the causeless mercy of the lord, and that causeless mercy krishna aisa hi vyakti ko dega jo vyakti in and out apni sincerity dikhane ke liye puri tarah se koshish karta hai। प्रभु हम टोपी गांव को घुमा सकते हैं, कृष्णा को घुमा नहीं पाएंगे। और एक चीज है, जो व्यक्ति को जो है हरि नाम का टेस्ट मिल गया ना, वो व्यक्ति जो है प्रभु हमेशा ब्लिसफुल रहता है, वो हमेशा ट्रांसेंडेंटल रहता है लाइफ में, उसको दुनिया से कोई पड़ी नहीं है और वो चाहिए तो उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी भाई, और वो कीमत क्या है, कृष्णा कुछ भी करा लेकिन चाहिए तू ही मुझे, कुछ भी दूंगा मैं, और उसमें सबसे बड़ा अटैचमेंट फ्लैट आता है।
सबसे बड़ा अटैचमेंट फ्लैट आता है. दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. भाई गौड़िया इज वेरी डीप, गौड़िया संप्रदाय इज वेरी डीप प्रभु, वेरी डीप. इट इज नॉट ए गुडी गुडी बिजनेस. पे द प्राइस एंड टेक इट. नॉट पेइंग द प्राइस ओके बी एज इट इज. ठीक है थोड़ा ये यथा मा प्रपद्य अंत मिलता रहेगा, लेकिन पे द प्राइस विल गेट इट. इफ यू आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस ओके बी गुडी गुडी. दिस इज वॉट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो प्रभु आई एम स्पीकिंग समथिंग मोर नाउ. प्रभु जी आई एम रियली स्ट्रगलिंग विथ ऑल दिस थिंग्स. वॉट आई एम स्पीकिंग इज आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट. आई एम जस्ट थिंकिंग बट आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग प्रभु. सो यू प्रे फॉर मी बट आई ऑल्सो कम बैक ऑन ट्रैक एंड सी दैट नथिंग गोज रॉन्ग. यू हैव टू बी सो कमिटेड. अगर कृष्णा बोल रहे हैं कि तेरे को शुद्ध भक्ति दूंगा लेकिन इसके सब छोड़ना पड़ेगा, वी शुड बी रेडी फॉर इट. You should be ready. If you are not ready, that means you don't want pure devotional service. We don't want. हम बातें करना चाहते हैं. प्रभु यू प्रे फॉर मी. पान गोविंद talking is very easy Prabhu. Giving big funda but hardcore classes are very easy, but putting it to life and maintaining it is so difficult. It's so difficult. Doctor ji will pray for me. Just pray for me. It should not happen that I just go only talking. You don't want that. Kya yaar 15-20 saal ka bada flat uske liye jo hai wapis jo hai इधर ही लटक गया तो क्या पाया मैंने, क्या पाया. हर एक व्यक्ति के अंदर एक चीज तो आई जाना चाहिए, वो त्रस्त हो जाना चाहिए भौतिक दुनिया से. उसको अक्कल आ जानी चाहिए क्या रगड़ रहा हूं इधर यार, क्या रगड़ रहा हूं यहां पे. 2 मिनट और ले लू क्या. तुम्हारे पास सब कुछ है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड. अच्छा घर है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा हेल्थ है, बहुत रह रहे हैं, हेल्थ है, अच्छा फैमिली है, बच्चे सब आपका बहुत ओबीडिएंट है, लड़का लड़की तुम्हारी पत्नी सब तुम्हारे ओबीडिएंट है, तुम्हारे सब चीज़ तुम जो है जो प्लानिंग किया वो प्लानिंग के मुताबिक सब जा भी रहा है, तुम्हारा फ्यूचर भी सिक्योर है. ये बहुत रह रहे हैं प्रभु, रह रही है. एक दो चीज भी होता है तो भी तुम भाग्यवान होता है, लेकिन सब चीज है. सब चीज होने के बाद में वो व्यक्ति को बोला तुम खुश है, तुम खुश छोड़ो, तुम आनंदित है, तुम ब्लिसफुल है. और वो जिन्यून आदमी बोलेगा तो यार ब्लिसफुल नहीं हो, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं है, दूसरा सब चीज हमें उल्टा उल्टा उसका सब प्रॉब्लम है. पैसा नहीं है, घर नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज खराब है, सब चीज में गड़बड़ है. लेकिन उसके सामने वो व्यक्ति को हरिनाम का टेस्ट आ गया है. वो कोई भी जगह में बैठ करके एकदम मस्ती से कृष्णा को याद करके मस्ती से जी रहा है. वो व्यक्ति को तुम पूछेगा तेरे को क्या लग रहा है, कुछ नहीं चाहिए, खाली हरिनाम है, मैं ब्लिसफुल हूँ. हमको चेक करना, हमको 2 में से क्या चाहिए कुछ है. प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट सो इजी, देना पड़ेगा. हमारे गुजराती में एक कहावत है, वो नरसिंह मेहता हमेशा बोलते हैं, हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे. ये कायर का काम नहीं, इधर कीमत देनी पड़ती है भाई. यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज प्रभु, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर इज नो शेल्टर प्रभु, नो शेल्टर. ओके प्रभु थैंक यू वेरी मच. यू आर एनीबडी है क्वेश्चन बस कुछ लेवाना चाहिए. अरे बोलिए डॉक्टर जी, आपको क्या, आप बोलो मेरे को, मुझे मैं प्रश्न पूछता हूँ. कहिए प्रभु जी. प्रभु
You have always shown the strength to take a decision towards Krishna. How do you develop that strength? There is the reason of it somehow. I am nothing, Prabhu, I know what I am. I am struggling with all my anarthas. But the biggest advantage or biggest strength I was getting is from the very strong association of devotees. That was the biggest strength I got it. This is helping me a lot in my Krishna consciousness. Very strong association. And from the very beginning I decided in my life, when I was getting married, I should speak in Hindi or I should speak in English. जब मेरी शादी हुई थी तभी से मैंने नक्की कर लिया था कि शादी भले होती, उसके पहले मैं 20 महीना मंदिर में रहा था, तभी से मैंने नक्की किया था और बीबी को पहले से बोल दिया था कि शादी होने के बाद में लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी नहीं दिया है। वही चीज कर रहा था हम लोग शादी, आपने कह रहा लगन तुलसी जी यार लेना हमारा, हाँ हमारा शादी 23rd of August 1992 में हुआ था, संडे 23rd August 1992, वेरी क्लियर। संडे को, मंडे को हम लोग सुबह में मंदिर नहीं गए क्योंकि जो है प्रभु हमको घर, हम लोग नया, मेरा जो घर था ना वो लॉक इन की में ही था, मैंने ले लिया था प्रभु, लेकिन मैं 20 महीना मंदिर में ही रहा था। शादी के बाद में सीधा वो घर पे गया था मैं, तो सोमवार को सब ठीक ठाक किया, नहीं सोमवार को हम लोग को इन लॉज के घर पे कुछ रिचुअल था वो करना गया, मंगलवार के दिन जो है घर ठीक ठाक किया, बुधवार को प्रभु जी हम लोग निकल पड़े थे सुबह में मंदिर जाने के लिए, सुबह में मंदिर में बुधवार को निकल पड़े, वही भागवतम क्लास में पहुंच गया। और जैसा भागवतम क्लास खत्म हुआ ऐसा तुलसी को गोविंद प्रभु लेके गए किचन दिखाने के लिए और उनको बता गया ये इधर सब्जी है, ये शक्कर है, न इधर दाल है, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, अभी तुम संभालो, तुम पूरा डीटी किचन इंचार्ज। 25th of August 1992 वही शेड्यूल, कंप्लीटली कमिटेड, नहीं चाहिए, नहीं करना है। एक चीज मैंने देखा है प्रभु जी, आई हैव सीन दिस समवॉट, आई डोंट नो, आई एम समथिंग सीनियर और सीनियर दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली प्रभु, जस्ट शो लिटिल सिंसियरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा टेक्स केयर ऑफ यू एवरीथिंग। क्या यार प्रभु ने, क्या कृष्णा ने सब कर दिया है लाइफ में, आई कैन टेल यू प्रभु मेरे लाइफ में सब मिरेकल ही हुआ है, सिर्फ मिरेकल हुआ है, एवरीवेयर इट्स ओनली मिरेकल। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है प्रभु जी, बट मुझे हमेशा लगता है प्रभु जी ये सब कृष्णा ने संभाल रहा है, मुझे मेरा कोई औकात नहीं है प्रभु जी, मेरा कोई औकात नहीं है कि मेरे कोई, एवरी वेयर कृष्णा हैज गिवन टेकन केयर ऑफ मी एंड आई कुड अंडरस्टैंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, नाइस एसोसिएशन, वेरी फोकस एसोसिएशन। आई कुड नॉट, I think you all of them know that one of the temptation which I had got it, वो बड़ा मालूम है ना वो स्कैम वाला सब आया था। If I would have not got Bhakti Rasamrita Maharaj, उस समय तो ही वॉज देवामृत प्रभु, I could have never taken that decision। Can you imagine प्रभु, तुम्हारा 25,000 रुपये का तुम्हारी आमदनी है और 25,000 में से तुमको 2.5 करोड़ रुपये मिलते हैं, पहले तो कितना जीरो ऐड होता है वही मालूम नहीं होता था मेरे को। 25,000 का 2.5 करोड़ रुपया, प्रभु जी आई कैन टेल यू विथ 100% कोई भी आदमी उसमें फंस जा सकता था, एनी बडी कुड हैव, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्या यार मैं भी मेरा बाप का सब छोड़ के आया था, तो मेरे अंदर भी था कि बाप को दिखा दो कि मैंने भी करके दिखाया है और इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। इफ यू डू नॉट बीन भक्ति रसम देवामृत प्रभु, आई वुड हैव नेवर एबल टू टेक दिस डिसीजन, डेफिनेटली। मैंने तो वहां तक बोला प्रभु 50-50 अभी के पार्टनरशिप कर लेते ना, 50% गोपीनाथ को दे दूंगा, चिंता ही क्यों करते हैं, इतना तो सेवा कर रहा हूं। तो भी बट इट इज नॉट लीगल, मतलब थोड़ा सब पूरी दुनिया चोरी करती है, तो मैं क्या खोटा काम थोड़ी, मैं भी चोरी करूंगा ना। तो भी उन्होंने एक ही चीज बोला कि कृष्णा जो है प्रभु, कृष्णा की पत्नी कौन है, तो लक्ष्मी जी,
ठीक है, तुम्हारा पैसा तो उसको चाहिए क्या, उसकी पत्नी घर पे लक्ष्मी है, तुम्हारे पास कृष्ण इज वॉन्टिंग कॉन्सियसनेस, ही डजंट वॉन्ट लक्ष्मी फ्रॉम यू। ऐसा मारा है मुझे प्रभु जी, इससे घाव हो जाता है ना प्रभु जी, और पूरा ड्रीम साफ कर लिया। लेकिन एक चीज पक्का था, मुझे मालूम था ये व्यक्ति मेरा हितेच्छु है, मेरा बहुत हितेच्छु है। ही कैनॉट से नो, ही कैनॉट, ही हैज नो इंटेंशन, रॉन्ग इंटेंशन फॉर माई लाइफ, एंड आई कुड टेक दैट डिसीजन ओनली बिकॉज ही टोल्ड मी नो। And right now I can say with 100, it is only because of him. Otherwise, right now I would be in jail, Prabhu. My colleague is there in jail right now. Association makes a miracle, Prabhu. Theek hai, Prabhuji, anything else? एसोसिएशन हो सकता है कम होता है, लेकिन माता जी आप जो कर रहे हो उस समय आपकी कॉन्शियसनेस क्या है? आप कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो कि दूसरे के लिए कर रहे हो? और वो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है। आपका हस्बैंड को सेवा करो, बच्चे की सेवा करो, जो उनका चाहिए वो डिमांड करते वो पूरा करते जाओ, लेकिन कॉन्शियसनेस एक ही होनी चाहिए, ये कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ खाली एक ही वजह से, कृष्णा को मालूम होना चाहिए कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी की है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा आपकी सेवा में कर रही हूँ, लेकिन आपको प्रसन्न करने के लिए ही कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड अगर मेरे को गाली भी देगा तो भी मैं करती रहूँगी, क्योंकि मुझे आपको प्रसन्न करना है। अगर ये कॉन्शियसनेस से करते रहो, और वो कॉन्शियसनेस के लिए आपको कॉन्स्टेंटली हियरिंग और कॉन्स्टेंट चैंटिंग करते ही रहना पड़ेगा, वरना वो कॉन्शियसनेस अच्छी बनेगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। प्रभु जी मेरी तो नहीं हो सकती है। बाहर की हवा इतनी भयानक है, तुमको खींच जाएगी। तो ठीक है, आपको एसोसिएशन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप घर पे तो एसोसिएशन ले सकते हो ना। आज के दिन तो कितना मॉडर्न एमिनिटीज आ गई है यार, कंटिन्यूस घर पे चलाते रहो आईपॉड्स और आई, कितना सब चल रहा है ना, चलाते रहो कंटिन्यूस। और आपकी सिंसियरिटी रहेगी तो भले आप कुछ भी नहीं करो, वहां नहीं जा सकते हो, तो भी यू विल बी पक्का इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा सीज योर इंटेंशन, कृष्णा डजंट सी हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गॉन टू द टेम्पल और अटेंडेड द प्रोग्राम। आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं ना, लेकिन आप उस समय आपकी कॉन्शियसनेस क्या है वो कृष्णा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्रभु? सी दिस पर्सन ही स्टेइंग इन भांडुप, ये भांडुप रहता है करेक्ट, उसका इंटेंशन क्लियर है, भांडुप से मेरे घर पे 4:25 को आ जाता है सुबह में, 4:25 मेरे को शर्म आती है, अरे बाप रे पार्थ गोविंद बैल मारेगा और मैं अगर तैयार नहीं हूं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। उसके वजह से मैं जल्दी उठ जाता हूँ उसको याद करके। Where there is, and do you know what he does when we had 64 rounds? He is working in Capgemini, software engineer hai, Gopal Krishna Maharaj ka disciple hai. To wo jo hai Prabhu London mein usko company mein bheja usne. See Prabhu, where there is a will, there is always a way. He will not like it, but I would like to make to understand Prabhu, ki devotee ka standard kya hota hai. Hamare ghar pe jab 64 rounds ka program hota hai, to tabhi 5 hum karte, to us samay uske wahan pe 12 bajte London mein. 12 वो जल्दी ऑफिस से आकर के थोड़ा आराम कर लेगा, और 12 जो है हमारा कोई डिवोटी इसके साथ में कांटेक्ट करके स्काइप के थ्रू हम जो यहाँ पे कर रहे हैं वो देख रहा है, वहां पे हम जो जपा घर पे कर रहे हैं वो देख रहा है, और हमको देख करके उधर बैठ करके वो 64 करता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, क्या नाटकबाजी करने के, क्या घुमाने का धंधा करने के, और उसको देख करके लंदन के डिवोटीज बोलते हैं ये क्या चल रहा है यार, उसको देख करके लंदन के डिवोटीज उसके साथ में बैठ करके वो लोग भी 64 आवर्स करने लगे। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। खाली बहाना देना है तो बहाना देते ही रहोगे। द
दैट्स आई टेक परफेक्ट शेल्टर फ्रॉम हिम, मेरा साथ में रहना भाई, तो मैं ढीला हो जाऊंगा तो तू मेरे को ठिकाने लेके आना. ठीक है प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? प्रभु मेरा ध्यान रख, डॉक्टर ध्यान रखना है भाई, बातें करने में तो आपको मालूम है ना, गुज्जू आदमी हो ना, बातें करने में तो फड़ाका मत बात कर लेता हूँ मैं. ठीक है माता जी, शुड वी एंड इट? पंकज, वेरी हैप्पी दैट यू हैव कॉल्ड अस अप. प्रभु मेरे को वो रिचुअल विचुअल बोलने में कुछ क्षमता नहीं है, बट वेरी हैप्पी मैं पहली बार तुम्हारे घर पे आया हूँ. मैं पहली बार ही आया ना माता जी, पहली बार आया. माता जी रेगुलर आती रहती है हमारे घर पे प्रोग्राम में. वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी इंस्पायरिंग. आते हैं प्रोग्राम अटेंड करते हैं सीरियसनेस से, बस मेंटेन करते रहो प्रभु. एक लास्ट में एक बॉम्ब छोड़ के जोड़ू क्या? हर एक डिवोटी यहाँ पे जो बैठा है ना, उसके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए. अगर वो सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो है, तो उसकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी हालत में किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है. एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ भी करूंगा. वैसे भी इधर रगड़े हुए यार, वैसे भी मरे हुए हैं, वैसे भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्णा बोलते हैं कि थोड़ा ज्यादा संघर्ष करो लेकिन इधर से निकाल देते हो तो वर्थ इट है यार, थोड़ा और मर लेंगे. दिस इज अ सीरियस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी. कोई भी हालत में मुझे यहां से निकल जाना, ये सब बहुत देख लिया यार, कुछ नहीं है मजा इधर, देयर इज नो प्लेजर एट ऑल. ये डॉक्टर मैंने ये इसका ये डॉक्टर जो है ना प्रभु, इज अ वेरी फेमस डॉक्टर. मैं हमेशा उसको मिलने जाता हूँ तो तभी कम से कम 30-40 पेशेंट्स खड़े रहते हैं उसके, और इतना इसको मिलने का इतना प्रॉब्लम होता है. ऐसे भी करके उसको कोई भी अंदर मैसेज करके बेचारा मुझे बुला लेता है. इतना फेमस डॉक्टर है, इतना सब लोग को आशीर्वाद लेता है, सब लोग का ब्लेसिंग लेता है, सबको खुश रखता है, तो भी उसको अंदर से पूछो तुम खुश है? पूछो उसको. ये नियम ऐसा भगवान ने बनाया है ना, सब रगड़ रहे हैं यहाँ पे. ये देखने के बाद में समझदार व्यक्ति बोला रहे यार सू चाले छे यार, यहाँ सू चाली रहे चाहिए, सू फंसाई गया छे यार. देखा सीरियस सॉल्यूशन जो है चाहिए थी यार, सू अटवाई गया छो यार, मारा निकली जाऊ चाहिए थी यार, सू छे. अब क्या होती आमने आम चलेगा करीस, कब तक चलता रहेगा ये? वापिस जीरो से चालू करने का, कहाँ आऊंगा मालूम नहीं. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आई डिडंट नो ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको बोलो कितना मेहनत किया चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के लिए, कितना फायदा मिलने वाला है. 25 तुम्हारा 30 साल हुआ है, कितने साल हुआ है? 26. 25 साल 35 साल फायदा मिला, चलो ना 60 साल तक तुमने 35 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट का फायदा मिला, बराबर है. फिर बाद में तो तुम रिटायर हो जाएगा तो खत्म चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बराबर है. 35 साल मेहनत किया, उसके लिए 25 साल की मेहनत करवाया, जो भी है करेक्ट. बाद में क्या, मरने के बाद में जीरो, वापिस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का? क्या पागलपन है यार ये, क्या ये पागलपन है भाई. एक समझदार व्यक्ति जो है देख करके समझ में जाना चाहिए, दिस इज टू मच यार. इज अ डॉक्टर, उसको पूछो इतना अच्छा है, इतना स्टेटस, उसको बोला डॉक्टर, उसकी वाइफ बोलेगी अरे क्या डॉक्टर, बंद करो यार, तुम टाइम ही नहीं दे पाते हमको. रुपया मिलता तो क्या रुपया को चाटने गए? सब दुखी है. हम लोग स्टॉक ब्रोकर, हम लोग पैसा अच्छा बनाते हैं, लेकिन पैसा अच्छा बना, मेरी बीबी हमेशा बोलती तू हमेशा टेंशन और एंग्जाइटी में रहता है, छोड़ वो इसको. किधर ना किधर लटकते ही रहते हैं प्रभु जी, क्या इधर रहने जैसा है यार, क्या है इधर, व्हाट इज गोइंग ऑन यार. दैट्स व्हाई सिंसियर एंड हार्डकोर डिवोटी शुड अंडरस्टैंड कृष्णा कोई भी हालत में किसी माँ के पेट में नहीं जाने आने, बहुत हो गया यार, अभी खत्म करना है मुझे, कुछ भी करूंगा मैं यहाँ पे निकलने के लिए. दिस इज सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु. प्रभु आई एम ऑल्सो विद ऑल ऑफ यू, मेरे को मदद करना. द ओनली वे आई टॉक एनी वेयर आई गो एंड आई जस्ट आस्क ब्लेसिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु. बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा बड़ा प्रवचन करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु. इट्स नॉट अ बिग थिंग, इफ यू आर अ गुड ऑरेटर यू कैन स्पीक एनी थिंग, सो बड़ी बात नहीं है.
आई कैन टेल यू देर आर मेनी ऑडिटर्स हु कैन से विद चैलेंज, इधर बैठा ना वो आदमी इधर से पाँव भी घुमाएगा तो मेरा प्रवचन बराबर नहीं है, इतना पकड़ करके रखता है। लेकिन क्या है उसका, उसका क्या खोखलापन है, बाद में जो है कुछ गड़बड़ करता है, वॉट इज द यूज ऑफ दैट। वी डोंट वॉन्ट दैट वे प्रभु, वी वॉन्ट टू बी वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वेरी क्लियर। निकल जाना है इधर से, बहुत हो गया, बहुत किक खा लिया। ठीक है प्रभु, विल एंड इट। वंश कल्प तरुवेशा कृपा सिंधु महे वच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव। प्रभु सॉरी आई टुक सो मच टाइम ऑफ योर्स, प्लीज फॉरगिव मी।